हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फूल गोभी की कटलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस पे हम तिल की कोटिंग करके बनाकर आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। इसे आप कभी भी किटी पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे पार्टी हो तो स्नैक्स के स्टार्टर के रूप में बना सकती हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। फूल गोभी की कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे फूल गोभी। फूल गोभी का हम ऊपर वाला फ्लावर निकालेंगे, तो चाकू की मदद से हम इसके फूल को ऐसे निकाल लेंगे। हमें जितने फ्लावर्स की बनाने हैं कटलेट, उतना हम ऐसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एकदम फ्रेश फूल गोभी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं हमने एकदम पत्ते वाली फ्रेश फूल गोभी लिया है। तो हम यहाँ पे फूल गोभी को रूट से अलग कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से धो के और ग्रेटर से ग्रेट करके आपको दिखाएंगे। हमने फ्लावर को अच्छे से धो लिया है। अब हम एक एक फ्लावर लेंगे और एक ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट करेंगे। तो हम मोटे वाले हिस्से से ऐसे ग्रेट कर लेंगे। तो बहुत आसानी से हो जाता है और इसका कॉटलेट जो है बहुत टेस्टी तैयार होता है। तो हम फटाफट इसे ग्रेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने सभी केरी फ्लावर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे आलू। तो हमने आलू को बॉयल करके पील करके फ्रिज में रख लिया था। इसे भी हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है 300 ग्राम फूल गोभी का फूल और दो मीडियम साइज आलू लिया है, यानी कि 150 ग्राम आलू होगा अपना। इसे भी हम ऐसे ही ग्रेट कर लेंगे। हमने आलू को भी ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा साइज प्याज, जिसे हमने छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं। और इसमें हम ढेर सारा हरी मिर्च डालेंगे, जिससे ये बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। यहाँ पे हमने एक इंच अदरक के टुकड़े को भी ग्रेट कर लिया है, इसे भी इसमें डाल देना है। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पे हमने 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। ये बाइंडिंग का काम करता है और पकौड़े क्रिस्पी भी होते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो राइस का आटा भी डाल सकते हैं या मैदा भी ले सकते हैं, पर कॉर्नफ्लोर से ये बहुत ही क्रिस्पी होता है। और साथ में हम डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा, यानी कि राइस फ्लोर। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा और भी ऐड कर लेंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन अमचूर पाउडर का टेस्ट अच्छा आता है। 2 चम्मच हम फ्रेश धनिया पत्ता डालेंगे, जिसे हमने धो के छोटे छोटे काट रखे हैं। सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसमें ऑरिगेनो। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच डालेंगे। अब हम सारे इंग्रेडिएंट को 1 चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। लास्ट में हम हाथ से करेंगे, पहले हम चम्मच से कर लेते हैं। हमने चम्मच से इसे मिक्स किया। अब हम क्या करेंगे, हाथ में लेंगे तेल। तो तेल भी हम 1 चम्मच लेंगे और इसके ऊपर डाल के चम्मच को हम ऐसे साफ कर लेंगे और हाथ से ही हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये कटलेट बहुत ही टेस्टी तैयार होता है और देखने में सुंदर तो लगता ही है। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को हाथ से एकदम बारीकी से मिक्स कर लिया है, यानी कि सभी चीज का फ्लेवर एक दूसरे में मिक्स हो जाना चाहिए।
अब हम हाथ को फिर से तेल से ऐसे ग्रीस करेंगे और इसमें से थोड़ा थोड़ा लेंगे और ऐसे टिक्की बनाएंगे। ऐसे हम हाथ से ऐसे गोल करके और एक टिक्की का शेप देंगे, यानी कि कॉटलेट का शेप देंगे, और इसे हम ऐसे प्लेट में रखते जाएंगे। फिर हम हथेली को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि ये आलू डालने के बाद थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है, तो हम तेल डाल के इसका कटलेट बनाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो ऐसे हम सभी को टिक्की का शेप दे देंगे। हमने एक बैच कटलेट तैयार कर लिया है। अब हम एक प्लेट में लिए हैं सेसमी सीड, तो हम एक कटलेट को ऐसे उठाएंगे और इसको हम ऐसे तेल में हल्का सा ऐसे डुबा लेंगे। तो हमने यहाँ पे तेल में कॉटलेट की कोटिंग कर ली है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल अपना गरम हो चुका है। अब हम इसी तेल में एक-एक कॉटलेट को धीरे धीरे छोड़ेंगे। ऐसे हम एक एक कटलेट को धीरे धीरे छोड़ देंगे। अब हम इसे एक साइड से 1.5 से 2 मिनट तक सेकने के बाद उलट के आपको दिखाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, एक बार हम आपको फ्लिप करके दिखाते हैं। ऐसे हम धीरे से एक घड़ी की मदद से इसे फ्लिप करेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तिल की कोटिंग वाला कटलेट बन रहा है अपना। ये खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है और देखने में भी सुंदर लगता है। हमने एक बार इसे उलट लिया। अब हम दूसरी साइड से भी 2 मिनट तक फ्राई करके फिर आपको दिखाते हैं। दूसरे साइड से भी अपनी कॉटलेट फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका कलर ब्राउन हो गया है और ये क्रिस्पी भी लग रहा है। तो बस हमें ऐसे ही कलर में फ्राई करना है कॉटलेट को। अब हम छड़नी की मदद से इसे टेढ़ा करते हुए और प्लेट में निकालेंगे। दिखने में कितना सुंदर लग रहा है ये कॉटलेट। तो इसे हम प्लेट में ऐसे निकाल लेंगे। अब ऐसे ही हम सभी बैच को फ्राई कर लेंगे। तो चलिए हम दूसरा बैच इसी तेल में फ्राई कर लेते हैं। धीरे धीरे हम एक एक कॉटलेट को छोड़ देंगे। और इसे भी हम 1.5 से 2 मिनट एक साइड से फ्राई करने के बाद फ्लिप करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम दोनों साइड से उलट पलट के गोभी के कॉटलेट को फ्राई कर लिया है। इसका कलर आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। देख सकते हैं ये भी दोनों साइड से कुरकुरा क्रिस्पी हो चुका है। तो हम छड़नी से टेढ़ा करते हुए एक्स्ट्रा तेल गिरा देंगे और प्लेट में इसे भी निकाल लेंगे। ऐसे ही हम तो ये अपना कॉटलेट बनकर तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया गोभी की कटलेट बनाना कितना आसान है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इसे आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।